छिंदवाड़ा से जहां बीजेपी समर्थित जनपद सदस्य अगवा कर लिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अपहरण करने का आरोप है। जनपद पंचायत के सामने से उठा लेकर गए थे कांग्रेसी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा सामने आया। कांग्रेस पर मतदान प्रक्रिया को भंग करने का आरोप है। जनपद सदस्य के अपहरण के बाद तनाव का माहौल देखा गया और ज्यादा जानकारी के साथ फरा समाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज, यहां जनपद सदस्य के अपहरण के बाद तनाव का माहौल देखा गया है, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दंतेवाड़ा ये जनपद की बात है, दंतेवाड़ा जनपद में 12 सदस्य हैं, 12 सदस्यों में से एक भाजपा समर्थित सदस्य बताया जा रहा है, बबलू क्षेत्र क्रमांक 1 का प्रत्याशी था जो जीत कर पहुंचा हुआ था, उसी के अपहरण की बात निकल के आई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष चैत्रा मटामी के साथ तमाम भाजपा के नेता यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया में खलल डालने के लिए कांग्रेसियों ने जनपद कार्यालय के अंदर से उसे गाड़ी में उठा करके लेकर के गए। रोकने का प्रत्याशी भाजपा वालों ने प्रयास किया मगर रोक नहीं पाए और इसके बाद यहाँ पर तनावपूर्ण पूरा माहौल बना हुआ था। और अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर दंतेवाड़ा में भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनीता भास्कर अध्यक्ष पद के लिए चुन ली गई है। 11 वोट पड़े थे जिसमें से 6 वोट सुनीता भास्कर को पड़े थे, 4 वोट कांग्रेसियों को पड़े थे, 1 मत रिजेक्ट हो गया था और 1 नहीं पहुंच पाया था जिसे उठा करके ले जाया गया। इसी तरीके से गीदम जनपद में भी आंती बेग नाम की भाजपा समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुन ली गई। कुआकोंडा और खट्टे कल्याण से अब तक खबर नहीं आई है कि अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। और चलिए अब आपको खबर बता रहे हैं।